सत श्री अकाल जी, सारिआं नूं स्वागत करदी आं। मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं आ सुमनप्रीत कौर। अज दी इस वीडियो दे विच असीं करांगे 1 जून 2023 दे नाल रिलेटिड इंपोर्टेंट करंट अफेयर दे MCQ। हर एक MCQ दे नाल रिलेटिड मैं तुहानूं इंपोर्टेंट फैक्ट भी दस्सांगी, सो वीडियो नूं पूरे ध्यान दे नाल सुनना। ते जिहड़े भी स्टूडेंट इस वीडियो दा PDF लैणा चाहुंदे ने, उह टैलीग्राम चैनल ते विजिट करके इस वीडियो दा PDF भी लै सकदे ने। टैलीग्राम चैनल दा लिंक मैं तुहानूं इस वीडियो दे हेठां डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच दे दित्ता होया है। तां ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करदे होए असीं अज दी इह वीडियो स्टार्ट करदे हां। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तां प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। हाल ही विच पंजाब दी कैबिनेट विच किहड़े मंत्री शामिल होए? हाँ जी, पंजाब दी कैबिनेट दे विच गुरमीत सिंह खुडिया अते बलकार सिंह शामिल होए आ। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जिवें कि मैं तुहानूं कल ही दस्सिया सी कि डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर ने अस्तीफा दे दिता। ये पंजाब दे कैबिनेट मंत्री सी, स्थानक सरकारां दे मंत्री सी, ते इन्हां ने अस्तीफा दे दिता। इन्हां दी जगह लई आ बलकार सिंह ने। हुण बलकार सिंह साडे स्थानक सरकार मंत्री आ, स्थानक सरकारां दे मंत्री आ, ते गुरमीत सिंह खुडिया खेतीबाड़ी मंत्री बने आ। अगे असीं देखदे हां कि किहड़े-किहड़े मंत्रालय दे मंत्रियां, किहड़े-किहड़े मंत्रालयां दे मंत्रियां दे विच शफलिंग होई आ। तां गुरमीत सिंह मीत हेयर, इन्हां नूं हुण जल स्रोत मंत्रालय, खाना अते भू विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान तकनोलॉजी अते वातावरण मंत्रालय, खेडां अते युवक सेवावां दा मंत्रालय, जमीन अते पानी दी संभाल दा मंत्रालय दित्ता गया। ठीक है, इस तों इलावा सरदार कुलदीप सिंह धालीवाल, सरदार कुलदीप सिंह धालीवाल इन्हां नूं हुण NRI मामले अते प्रशासनिक सुधार दे मंत्रालय आ जिहड़े दित्ते गए आ। अगे आ जी सरदार लालजीत सिंह भुल्लर, ते इन्हां नूं ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाया गया, पेंडू विकास अते पंचायतां दे मंत्री बनाया गया। नैक्सट है सरदार बलकार सिंह, ये स्थानक सरकारां दे मंत्री आ अते संसदी मामलियां दे मंत्री बने आ। ते सरदार गुरमीत सिंह खुडिया, ये खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्री आ, पशु पालन, मच्छी पालन अते डेयरी विकास मंत्रालय इन्हां नूं इहदे नाल मिलिया, अते फूड प्रोसैसिंग मंत्रालय भी इन्हां नूं दे दित्ता गया। नैक्सट है हाल ही विच IPL 2023 विच इमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन पुरस्कार किहड़े खिडारी ने जितया? हाँ जी, वेरी इंपोर्टेंट, जिवें कि तुहानूं पता IPL 2023 आ जिहड़ी खत्म हो चुकी आ, ते IPL 2023 चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात नूं हरा के जित्ती आ। ठीक है, हुण IPL दा जेतू कौन आ? बहुत ही इंपोर्टेंट MCQ तुहानूं पुछया जा सकदा कि IPL 2023 किस ने जित्ती आ? चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात नूं हरा के जित्ती आ। ते इस दे विच इमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन पुरस्कार जीते आए जसवी जैसलवाल ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस दे विच शुभमन गिल की जे आप गल करिए, इन्होंने ऑरेंज कप जीते आ। मुहम्मद शमी की जे गल करिए, इन्होंने पर्पल कप जीते आ। ठीक है, ये तुसी ध्यान दे विच रखना। शुभमन गिल IPL दे एक सीजन विच 700 दौड़ा बनाने वाला सब तो घट उम्र का खिडारी बनिया। जुजविंदर चाहल IPL विच सब तो वध विकटा लैण वाला गेंदबाज बनिया। विराट कोहली IPL दे इतिहास विच 7000 दौड़ा बनाउण वाले पहले खिडारी बने। डेविड वार्नर IPL विच सब तो वध खेडण वाले विदेशी कप्तान बने। कागिसोर वाडा IPL विच सब तो तेज 100 विकटा लैण वाले खिडारी बने। ठीक है, ये तुसी याद रखना। नैक्सट है हाल ही विच भारत अते केड़ा देश जीवन भर सीखण दे मौके पैदा करन लई सहमत होए आ? हाँ जी, साडे केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री आ धर्मेंद्र प्रधान, ते ए रीसेंटली सिंगापुर गए सी। ठीक है, ते उत्थे इह समझौता होया वा, भारत अते सिंगापुर देश जीवन भर सीखण दे मौके पैदा करन दे लई सहमत होए आ। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, सिंगापुर। हुण सिंगापुर दी कैपिटल की आ? सिंगापुर सिटी। इत्थों दी करंसी आ सिंगापुरियन डॉलर, ते इत्थों दे प्राइम मिनिस्टर कौन ने? ली शियन लू। नैक्सट है SBI ने वित्तीय साल 2023 विच भारत दी GDP विकास दर किन्ने प्रतिशत रहन दा अनुमान लगाया? हाँ जी, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय साल 2023 विच भारत दी GDP विकास दर 7.1% रहन दा अनुमान लगाया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट है जी, किसने हाल ही विच निकास नूं घटाउण लई इथानोल डीजल मिश्रण विकसित किया? हाँ जी, निकास नूं घटाउण दे लई इथानोल डीजल मिश्रण विकसित किया वा
BPCL ने ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड इस दी स्थापना हुई सी 1976 च। इस दा हेडक्वार्टर मुंबई दे विच। एट प्रेजेंट इस दे MD एंड CEO कौन ने? जी कृष्ण कुमार। नैक्सट है, हाल ही विच गोवा राज दिवस कदों मनाया गया? हाँ जी, गोवा राज दिवस 30 मई नूं मनाया जांदा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 30 मई 1987 नूं गोवा एक अलग तो गोवा नूं राज दा दर्जा मिलिया सी, इस करके हरेक साल 30 मई नूं गोवा राज दिवस मनाया जांदा। ते 19 दिसंबर 1961 नूं गोवा पुर्तगालियां तो मुक्त होया सी, ते 19 दिसंबर नूं गोवा मुक्ति डे मनाया जांदा। हुण असीं मई दे इंपोर्टेंट दिवस की गल की है, तो देख सकते हो तुसी 1 मई नूं अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, गुजरात दिवस मनाया गया अते महाराष्ट्र दिवस मनाया गया। 2 मई नूं विश्व टूना दिवस, विश्व दमा दिवस मनाया गया। 3 मई नूं विश्व प्रेस सुतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई नूं कोला माइनर दिवस, अंतरराष्ट्रीय फायर फाइटर्स दिवस मनाया गया। 5 मई नूं विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, विश्व हाथ सफाई दिवस मनाया गया। 6 मई नूं अंतरराष्ट्रीय नो डाइट दिवस मनाया गया। 7 मई नूं विश्व एथलैटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई नूं विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। 10 मई नूं अंतरराष्ट्रीय ऑर्गानिया दिवस मनाया गया। 11 मई नूं राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस मनाया गया। 12 मई नूं अंतरराष्ट्रीय पौध सेहत दिवस मनाया गया, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 13 मई नूं विश्व प्रवासी पंछी दिवस मनाया गया। 15 मई नूं अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई नूं शांति विच इकट्ठे रहन दा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 17 मई नूं विश्व दूरसंचार अते सूचना सोसाइटी दिवस मनाया गया। 18 मई नूं अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम दिवस, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया। 19 मई नूं राष्ट्रीय लुप्त प्रजाति दिवस। 20 मई नूं विश्व मधुमक्खी दिवस। 21 मई नूं अंतरराष्ट्रीय चाह दिवस ते राष्ट्रीय अतवाद विरोधी दिवस मनाया गया। 22 मई नूं अंतरराष्ट्रीय जैव विभिन्नता दिवस मनाया गया। 23 मई नूं विश्व कछू दिवस मनाया गया। 24 मई नूं भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 2023 मनाया गया। 29 मई नूं संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। नैक्सट है जी, हाल ही विच सरकार ने अटल भूजल योजना नूं किन्ने समय तक बढ़ा दिता? हाँ जी, अटल भूजल इस योजना नूं सरकार ने 2027 तक बढ़ा दिता। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये जो योजना वा ये 2020 दे विच लॉन्च की गई सी अते 7 राज्यां दे 80 ज़िलिआं दे विच लागू की गई। इसका परपज आ जल सुरक्षा दे लई समुदायिक भागीदारी नूं बढ़ावा देना। ठीक है, पहले इहदा टारगेट 2025 सी पर हुण इस नूं बढ़ा के 2027 कर दिता गया। नैक्सट है, हाल ही विच कित्थे खीर भवानी का मेला लगाया गया? हाँ जी, खीर भवानी का मेला यह जम्मू कश्मीर दे विच लगाया जांदा। कश्मीरी पंडितां अते स्थानी निवासियां दे द्वारा यह उत्सव आ जिहड़ा मनाया जांदा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। हुण असीं जम्मू कश्मीर की गल कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश आ। जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर आ। इत्थों दे लैफ्टीनेंट गवर्नर आ जां ल्यूटीनेंट गवर्नर आ मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर दे विच डाचीगाम नैशनल पार्क आ, काजीनाग नैशनल पार्क आ, सलीम अली नैशनल पार्क आ, किश्तवाड़ नैशनल पार्क आ। इत्थों दे फेमस लोक नाच आ ड्रॉफ, हेकत, कुड़ डंडी। केसर दे उत्पादन दे विच मोहरी राज आ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर दे विच डल झील आ, बुलर झील आ, गायमर झील आ, मानसबल झील आ, गंगाबल झील आ, कुसरबल झील आ, शेषनाग झील आ, नागिन झील आ, वैरी नाग झील आ। केसर दे उत्पादन दे विच जम्मू कश्मीर मोहरी राज आ। ते डल झील दे विच एलीगेटर गार मच्छी आ जिहड़ी ये पाई गई आ। जम्मू कश्मीर विच भारत दा पहला केवल स्टेट रेल पुल पूरा हो गया। मनोज सिन्हा ने जम्मू दे विच ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। श्रीनगर दे विच एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन होया। जम्मू कश्मीर दे विच खोलन दे लई एशिया का सब तो वड्डा ट्यूलिप गार्डन आ जिहड़ा बनाया जाएगा, बन गया हुण तां इह। ठीक है, फैक्ट पहलां दा सी ऐड किया। जम्मू अते कश्मीर दे डोडा विखे सब तो उच्चा प्रतीक राष्ट्रीय झंडा लहराया गया। नैक्सट है, हाल ही विच टीम मीटिंग 2023 एथलैटिक्स मीट विच ज्योति जारजी ने केड़ा
मैडल जितया। हाँ जी, टीम मीटिंग 2023 एथलैटिक्स मीट, एक होंगे गेम्स एक होंगे एथलीट, जिहड़ियां गेम्स होंदियां वा उहदे विच टीम वाली गेम्स आ जांदियां मोस्टली, जिवें फुटबॉल हो गया, ठीक है, वॉलीबॉल हो गया, हाकी दी गेम हो गई, क्रिकेट हो गई, पर एथलीट की होंदी आ, एथलेटिक्स आ जिहड़ा, एथलीट जिहनूं आपां बोल दिंदे आ, इहदे विच की आ कि खिडारी कल्ला ही प्रैक्टिस करदा, जाणी कि आपां कह सकदे आ लोंग जंप वाली गेम हो गई, इकल्ला खिडारी आ अपनी कल्ली प्रैक्टिस करूगा, टीम वर्क नहीं होंदा, ठीक है, इहनूं एथलीट, इह फर्क होंदा गेम्स एंड एथलीट्स दे विच। ते जे आपां गल करिए हुण कि हाल ही विच टीम मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट विच ज्योति जारजी ने केड़ा मैडल जितया, तां इन्हां ने सोने दा मैडल जितया। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नीदरलैंड दे टिल वर्ग विच महिलावां दी 100 मीटर दौड़ दे विच इन्हां ने सोने दा मैडल जितया। नैक्सट है, किसने हाल ही विच 13वां हाकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय खिताब जितया। हाँ जी, 13वां हाकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय जितया वा उत्तर प्रदेश ने उड़ीसा नू हरा के। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश ने उड़ीसा नू हरा के 13वां हाकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय खिताब जितया। तो उड़ीसा के विरसा मुंडा स्टेडियम के विच होई आ ये 13वीं हाकी इंडिया, ठीक है, जूनियर जिहड़ी चैंपियनशिप आ ये उड़ीसा के विरसा मुंडा स्टेडियम के विच होई आ, ये तुसीं ध्यान दे विच रखना। हुण असीं उत्तर प्रदेश की गल की है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने जीती है गेम, तो उत्तर प्रदेश की कैपीटल की आ। हाँ जी, जिहड़े भी स्टूडेंट्स नूं पता, 3 सैकेंड दिंदी आ मैं तुहानूं कमेंट बॉक्स के लिखण लई। उत्तर प्रदेश की कैपीटल है लखनऊ, इतों के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, तो इतों के गवर्नर आ योगी, इतों के गवर्नर आ आनंदी बैन पटेल। उत्तर प्रदेश के दुधवा नैशनल पार्क है, चित्तियां दे लई फेमस आ, लोक नाच है, इतों के फेमस चोर आ नौटंकी कजरी। भारत में सब तो वध बसों वाला राज आ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ खेडां का 3रा एडिशन शुरू होया। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में नाथ कोरीडोर विकसित किया जाएगा। कनौज के अंतरराष्ट्रीय अरोमा पार्क का फेज 1 पूरा होया। लखनऊ के नवा फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। नैक्सट है, हाल ही विच भारत नूं अपना दूजा पन बिजली प्रोजैक्ट स्थापित करन लई मंजूरी मिली। हाँ जी, भारत नूं अपना दूजा पन बिजली प्रोजैक्ट स्थापित करन दी मंजूरी मिली आ, ठीक है, भारत ते नेपाल तो। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, नेपाल। हुण नेपाल दी गल कीती आ तां नेपाल दी कैपिटल की आ, काठमांडू। इतों के करंसी आ नेपाली रुपये आ। इतों के प्राइम मिनिस्टर आ पुष्प कमल दहल प्रचंड, तो इतों के प्रेजीडेंट आ रामचंद्र पौंडेल। नेपाल दे विच पोटो यात्रा त्यौहार जिहड़ा मनाया जांदा 2025 नूं नेपाल विच विशेष सैर सपाटा साल वजों मनाया गया। ACC पुरुष प्रीमियर कप नेपाल ने जितया। नेपाल दे विच जीतगढ़ी त्यौहार मनाया गया। नारायण प्रसाद ने नेपाल दी नवें विदेश मंत्री वजों आउंदा संभालिया। नैक्सट है, हाल ही विच विश्व सेहत संगठन दे बाहरी ऑडिटर वजों किसनों चुनिया गया। वेरी इंपोर्टेंट। हाँ जी, विश्व सेहत संगठन के बाहरी ऑडिटर वजों चुने गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। गिरीश चंद्र मुर्मू इन्हों 2019 विच चुनिया गया सी, हुण इन्हों का कार्यकाल 4 साल के लिए होर बधा दिता, ठीक है, ये तुसीं ध्यान दे विच रखना। हुण एक अपॉइंटमेंट की गल आ, तां आर दिनेश नूं 2023-24 लई CII प्रधान नियुक्त किया गया, ठीक है जी। तो सुमन शर्मा ने UPSC के मैंबर वजों सहुं चुकी आ। हरिश जैन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसीएशन ऑफ इंडिया के नवे चेयरपर्सन बने। तो एस वैद्यनाथन मद्रास हाईकोर्ट का कार्यकारी चीफ जस्टिस चुनिया गया। बास्केटबॉल फैडरेशन ऑफ इंडिया के प्रधान वजों डॉक्टर गोविंद राज चुनिया गया। नैक्सट है, हाल ही विच किस राज के मुख्यमंत्री ने नवी आवास योजना का ऐलान किया। हाँ जी, किहड़े राज दे मुख्यमंत्री ने नवी आवास योजना का ऐलान किया? उड़ीसा दी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इस तरह के लोग जिन्हों ना तो केंद्र सरकार तो घर मिले ना ही राज सरकार तो उन्होंने लिए आवास योजना शुरू की आ उड़ीसा की गौरमेंट ने। हुण उड़ीसा की गौरमेंट ने की है तो देख सकते हो तुसीं मैप दे विच उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल आ भुवनेश्वर। इतों के चीफ मिनिस्टर आ नवीन पटनायक। इतों के गवर्नर आ गणेशीला। उड़ीसा दिवस हरेक साल 1 अप्रैल नूं मनाया जाता। नंदन कानन नैशनल पार्क उड़ीसा दे विच, सिंपलीपाल नैशनल पार्क आ, पितरकनिका नैशनल पार्क आ, चिल्का सेंचुरी आ। उड़ीसा दे विच चिल्का झील आ, यह भारत की सब तो वड्डी खारे पानी की झील आ। उड़ीसा दे विच ऋषिकुलिया बीच आ, गोल्डन बीच आ।
उड़ीसा के कपलेश्वर मंदिर ASI द्वारा सुरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैश बोर्ड और CM डैश बोर्ड लॉन्च किया। बिहान मेला उड़ीसा के कोंद कबीले द्वारा मनाया जाता। उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव की शुरुआत की। बिहार तो बाद उड़ीसा पछड़े वर्ग का सर्वेखण शुरू होया। हाँ जी, इस दे नाल साडी अज दी ये वीडियो खत्म हुंदी आ। ये वीडियो तुहानू किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स के जरूर दस देना। जेकर वीडियो चंगी लगी हो प्लीज़ वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।